गाइस आ चुका हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तो आज के इस वाले वीडियो में आप लोग को बताने वाले कि आप लोग जो फ्री में रेनिम कार्ड किस तरीके से ले सकते हो। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले एक भाई ने भी कमेंट किया कि हम लोग जो फ्री में किस तरीके से रेनिम कार्ड ले सकते हैं। तो गाइस आज के इस वाले वीडियो में आप लोग को तीन स्टेप बताऊंगा, अगर आप उन तीनों स्टेप को फॉलो करते हो तो आपको जो फ्री में रेनिम कार्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसके बारे में तो हमें पता है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि हो सकता है कि आपको इसके बारे में पता है, लेकिन गाइस जो लोग नए नए मोबाइल को खेलना स्टार्ट किए तो उनको जो इसके बारे में पता नहीं होगा। तो गाइस अगर आपको पता है तो आप लोग जो वीडियो को यहाँ पर छोड़ के जा सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को कम्प्लीट एंड तक वॉच करना, आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप यूसी देख के लेना चाहते हो तो आपको जो 180 यूसी देना होगा। तो अगर आप 180 यूसी से मतलब कि उसको परचेस कर लेते हो तो आपको जो रिनेम कार्ड मिल जाएगा। तो वैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आपको जो फ्री में रिनेम कार्ड चाहिए, तो इसलिए तो आप लोग वीडियो देख रहे हो। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको जो फ्री में रिनेम कार्ड मिल जाएगा, जैसे कि अगर आप लेवल पे जाओगे, जैसे कि यहाँ पर आप जाओगे प्रोग्रेस मिशन के ऊपर, तो यहाँ पर जाने के बाद आपके अगर 35 लेवल के अंदर आप होते हो तो आपको जो एक रिनेम कार्ड मिल जाएगा, जो कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको कलेक्ट कर लिया। तो जिन्होंने भी यहाँ से कलेक्ट नहीं किया तो वो लोग जो यहाँ से कलेक्ट कर लेना, तो आपको जो एक फ्री में रिनेम कार्ड मिल जाएगा। तो आप में आप लोग को बता दो कि दूसरा जो तरीका है जिससे आप लोग जो फ्री में रिनेम कार्ड ले सकते हो, तो इसके लिए आपको चले जाना है क्रू चैलेंज के ऊपर। तो गाइस अगर आपके पास क्रू होता है तो आप लोग जो वहाँ से फ्री में रिनेम कार्ड ले सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे आप शॉप के ऊपर आओगे, शॉप के ऊपर आने के बाद आपको जो फ्री में रिनेम कार्ड मिल जाएगा। तो इसके लिए जो है आपके पास 200 क्रू पॉइंट होना चाहिए। अगर आपके पास 200 क्रू पॉइंट होता है तो आप लोग जो यहाँ से फ्री में रिनेम कार्ड को परचेस कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस अब मैं आप लोग को बता दूँ कि आपको जो कि क्रू पॉइंट है वो आपको किस तरीके से मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर आप ग्रेड ए या फिर ग्रेड बी के अंदर होते तो आपको जो हर वीक 20 क्रू पॉइंट मिलेगा। अगर ग्रेड ए एस के अंदर होते तो गाइस आपको जो हर वीक आपको 30 क्रू पॉइंट मिल जाएगा। तो वहाँ से जो आप लोग जो कि क्रू पॉइंट को कलेक्ट करके आप इजीली शॉप के अंदर जाकर आप फ्री में रिनेम कार्ड को परचेस कर सकते हो। तो गाइस जिनके भी पास क्रू नहीं है या फिर क्रू रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप लोग जो अपने किसी भी टीममेट या फिर जो भी अपने फ्रेंड है, अगर उनका जो क्रू है वो रजिस्टर्ड होता है तो आप लोग जो उनके क्रू पे ज्वाइन करके आप वहाँ से फ्री में रिन्यू कार्ड ले सकते हो। अगर आप अभी चाहो कि अपने क्रू को क्रिएट करके आप उसको रजिस्टर कर लो तो आप जो अभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि गाइस अभी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। तो जिनके भी पास क्रू है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आप लोग जो उनको क्रू पे ज्वाइन करके आप लोग फ्री में पॉइंट को कलेक्ट करके आप वहाँ से रिनेम कार्ड को परचेस कर सकते हो। तो ये तो रहा दूसरा तरीका जिससे आप लोग जो फ्री में रिनेम कार्ड को परचेस कर सकते हो। तो अब मैं आप लोग को तीसरा तरीका बताता हूँ जिससे आप लोग जो फ्री में रिनेम कार्ड परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आप लोग बोनस चैलेंज खेलकर भी आप लोग वहाँ से रिनेम कार्ड को परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, अगर आप यहाँ पर आकर कुछ स्टेडियम मैचेस खेलोगे तो आपको जो बैटल कॉइन मिल जाएगा, तो उनको जो आप रिडीम करके आप यूसी पे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अगर आप एक एनिमी को किल करते हो तो आपको जो 3 बैटल पॉइंट मिल जाएगा। अगर आप मैच को जीत जाते हो टीडीएम मैचेस, तो आपको जो 120 बीपी पॉइंट नहीं, आपको बैटल कॉइन मिल जाएगा। अगर आप हार भी जाते हो तो आपको जो 10 बैटल कॉइन मिल जाएगा। तो अगर आप पास 1000 बैटल कॉइन होता है तो आप जो उनको रिडीम करके 100 यूसी ले सकते हो। तो ऐसे करके आप जो फ्री में यहाँ से आपको रिडीम कार्ड मिल जाएगा। अगर आप बोनस चैलेंज खेलते हो तो आपके पास जो है बोनस चैलेंज का जो टोकन है वो आपके पास होना चाहिए, तो वो जो है आपको एक या फिर दो आपके पास हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास बैटल कॉइन होता है तो आप जो यहाँ पर आकर आप क्लासिक मैचेस खेल के आप लोग जो फ्री में बैटल कॉइन को ले सकते हो। और अगर आपके पास 1000 बैटल कॉइन हो जाता है तो आप लोग जो उनको रिडीम करके आप यूसी ले सकते हो। तो अगर आप इन सारे तरीके को फॉलो करते हो तो आपको जो फ्री में रिनेम कार्ड मिल जाएगा। और गाइस कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप लोग जो फ्री में रिनेम कार्ड परचेस कर सकते हो। और जो भी आप लोग देखते हो कि भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो आपको फ्री में रिनेम कार्ड मिल जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं होता। फ्री में मिलने का चांसेस इन सारे तरीकों अगर आप फॉलो करते हो तो आपको जो फ्री में रिनेम कार्ड मिल जाएगा। रही बात रिडीम कोड को अप्लाई करके आप फ्री में किस तरीके से रिनेम कार्ड ले सकते हो, तो ऐसा एक्चुअल में होता है, आप लोग जो रिडीम कोड को अप्लाई करके आप फ्री में रिनेम कार्ड ले सकते हो। लेकिन वो जो रिडीम कोड है वो टाइम लिमिटेड होता है। अगर कोई भी आपको रिडीम कोड देता है तो उससे पहले, मान लीजिए अगर आपको कोई भी रिडीम कोड देता है तो आपसे पहले कोई भी अगर उस रिडीम कोड को अप्लाई कर लेता है तो आपको जो उससे कुछ भी नहीं मिलेगा।
जो रिडीम कोड देता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितने टाइम के लिए उस रिडीम कोड को क्रिएट किया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रिडीम कोड किस तरीके से काम करता है और उससे आपको रिडीम कोड अप्लाई करने से आपको मिलेगा या फिर नहीं। तो इसी की वजह से मैं कोई भी रिडीम कोड नहीं देता और किसी भी रिडीम कोड के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाता। तो वो जो टाइम लिमिटेड होता है इसी की वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाता। तो होप करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो यही था वीडियो के अंदर। तो होप सभी लोगों को आज के वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्क्वाड के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता चलना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बगल वाले बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हो और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।